ये हमारे पैर हैं और ये हम लोग हैं, मैं भी इधर हूँ। इधर हमारा चलना होगा। सो गाइस आज जो है तो अपन करेंगे पानी वितरण। बोले तो ये मांग रहा है 2 रुपए, तो हम इसको दिए ही नहीं। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। Hey guys, good morning. So from this beautiful morning, I'm starting this vlog. And right now I'm in the roof. और आप लोग देख सकते हैं आज सुबह सुबह का यहाँ का नज़ारा, जो कि अभी सनराइज हो चुका है और क्या शानदार नज़ारा आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। आज मस्त लग रहा है, द स्काई इज क्लियर। यहाँ पे है हल्के हल्के क्लाउड्स और एक पंछी अभी तक हमको दिखा उड़ते हुए। सो गाइस इस ब्लॉग को भी एज यूजुअल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने रूप्स, और आज अभी बज रहे हैं 7। मैं थोड़ा कुछ जल्दी जग गया आज। एक्चुअली क्या था कि हमको भरना था पानी, सप्लाई का पानी आता है तो सुबह सुबह भरना पड़ता है, तो वही भरना था तो इसीलिए जग गए आज जल्दी। ये हमारी टंकी भी खाली हो गई थी, अब इतना ज़्यादा भर गई कि बहने लगा पानी, तब बंद कर दिए। और बाकी ये सुबह सुबह का नज़ारा, और मेरे रूम से जो है ना ईस्ट जो है इस साइड पड़ता है, तो इधर से अभी सनराइज़ होता है और दोपहर में यहाँ धूप रहती है, लेकिन मोस्टली 4 बजे तक यहाँ पे चली जाती है धूप। दोपहर के 3-4 बजे के बाद जो है तो यहाँ पे धूप जो है तो आना बंद हो जाती है, और इसी वजह से ठंडी लगने लगती है बहुत जल्दी यहाँ पे छत पे, तो ज़्यादा लेट आना यहाँ पे मज़ेदार नहीं। सोच रहा हूँ कि यार मैं कैसे उठूँ डेली, मेरे को सुबह सुबह उठना है, क्योंकि बहुत देख सकते हैं आप लोग इतना सुंदर सा नज़ारा रहता है, इतना सुंदर, तो सुबह सुबह उठने में फ्रेशनेस अलग ही रहती है यार। तो लेकिन यार रात में जल्दी सो नहीं पाता हूँ, समस्या ये भी रहती है यार, क्या करूँ। कोई बात नहीं, अभी अब डेली ट्राई करूँगा, आज भैया ने उठाया है, अपने से नहीं उठाऊँ से इसी बताऊँ तो। और अगर मुझे डेली ब्लॉगिंग करनी है तो फिर तो इज़ इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी टाइम आई कांट टेल यू दैट मैं छत पे हूँ। मैं हर बार तो आपको छत पे बता नहीं सकता, मज़ा नहीं आता ना बार बार वही चीज़ दिखाएं, तो अब उठना पड़ेगा सुबह से। ये देखिए खिलखिलाती धूप जो है तो अपनी किरणें घेर रही है धीरे धीरे करके चारों तरफ। सो अभी मैं छत में गया था सुबह सुबह, फिर उसके बाद फिर से आकर सो गया था, अभी उठाऊँ फिर से। सो आज जो है तो अपन करेंगे पानी वितरण। बोले तो अपने पौधों को जो है तो अपन पानी देंगे, अभी तो अपने जीवित रहेंगे बेचारे, और हम उन्हीं की वजह से हम जीवित रहेंगे। देखिए सुंदर सुंदर फूल हमारे यहाँ है, बहुत सारे फूलों के पेड़ हमारे यहाँ लगे हैं। और अभी अपन ये पौधी जो है तो बकरी लगी, तो अभी पौधों को चाहे तो लेंगे, उसके बाद तैयार होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पौधों को जो है वाटर ट्रांसफर कर चुका है। बस अभी स्नान जो है तो हो चुका है अपना, अब अपन कुछ भोजन भजन करते हैं। यार मेरा फेवरेट चावल दाल खाऊंगा मस्त। तो ये देखिए हमारे यहाँ से खिड़की है, ये देखिए
खाना शायद खा चुके हैं अपन, अब अपन चल रहे हैं तो उसके बाद चल रहे हैं वापस। ये हम हैं, ये हमारे प्यार है और ये हमारी परछाई है ना। एंड तो भैया अभी हम प्राशु के रूम में, तो ये मांग रहा है 2 रुपए, तो हम इसको दिए ही नहीं। अब भी रो, हम बना लिए वीडियो, टेंशन ना लो। और अभी प्राशु भाई सजा रहे हैं अपने आप को कहे तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ, प्राशु भाई जो हैं तो अपने बस पास भूल आए, तो फिर जब उनको जाना पड़ा और उनकी वजह से हो गए हम बहुत ज़्यादा लेट, और अभी लेट हो ही रहे हैं क्योंकि उसमें इतना चालू आदमी है, बैग थमा के मेरे को चला गया जिससे मैं भी ना निकल पाऊँ और वो भी आ जाए। तो प्राशु भाई आ गए हैं आपके, अभी ना निकली क्या? बस नहीं निकली अभी, कहाँ खुला गुलाब के फूल गुलाब और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई एक्चुअली क्या है, समस्या हो गई है, बोर्ड ऑफिस साइड बस ही नहीं जा रही है, तो इसलिए हम लोग अभी चल रहे हैं पैदल, क्योंकि मेट्रो का जो मेट्रो है ना साला, मेट्रो पता नहीं कब से चल रहा है तो अभी तक बना नहीं है, निकलेगी भोपाल की। तो ये देखो भैया, ये बन रहा है मेट्रो का काम चल रहा है, ये गाड़ी लगता है जितनी भी जा रही है तो सब उस पार से लौट भी रही है, ये देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो पैदल चल रहे हैं हम दोनों, ये हमारे पैर हैं और ये हम लोग हैं, मैं भी इधर हूँ, इधर हमारा चलना हो रहा है। तो ये है अपने बस का जो स्टॉप है, लेकिन कोई बस नहीं चल रही है भाई साहब, यहाँ पे देख रहे हो सन है, एकदम सन्नाटा। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कितना भयानक जाम लगा है, ये सरगम टॉकीज का स्टॉप है और ये देखो कितना जाम लगा है, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं उनको तो लगता है लौटना पड़ रहा है, इस वजह से ये जाम लग रहा है, इसलिए भयानक गाड़ियां खड़ी हैं, अभी तो लोग आ ही रहे हैं लोग कंटिन्यूसली। तो आज ये देखिए यहाँ पे ये चल रहा है लाल लाल जो दिख रहा है वहाँ पर मेट्रो का वर्क। तो आज हमारी लग चुकी है वाट, बिकॉज हम लोग आ रहे हैं विट्ठल मार्केट से पैदल चलते चलते, और ये देखो इस मेट्रो के चक्कर में हमको कितना चलना पड़ा। तो प्राशु भाई अब जा रहे हैं, तो प्राशु बाय बाय, ठीक है भाई, चल वो बाहर कहाँ कर जाओ, हम वहाँ पास ही बढ़िया लगता। सन्नाटा है, अभी हो रही है रात, मतलब हो चुकी है रात अब, और बज रहे हैं 7:30, तो फिर अपन जा रहे हैं अब घर। अभी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया ऑफिस में, तो इस वजह से लेट जाना पड़ रहा है, अभी फिर से पैदल जाना पड़ रहा है हमें, आप देख सकते हैं। और फिर बस भी नहीं आ रही यार, रूट भी पूरा चेंज कर दिया है, भूख लग रही है यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, देखते हैं अपन कुछ खाने के लिए, अपन ने ये ले लिया है कुछ काम आएगा अपने। देखो गाइस मैं ऐसी रोड पर हूँ जिस पे जगह ही नहीं है ज़्यादा, लग रहा है कोई ठोंक ना दे पीछे से आके, इस पे आराम से साइड से चल रहा हूँ, इतने कोने से चल रहा हूँ देख सकते हो। चलो इस खा रहा हूँ मैं अभी तो रास्ते में ही, कैसा लगा था भाई ये मज़ा आएगा ना वीडियो लहा दे आधा रह जावे चमका थोड़ी आँखी पूरी। अरे हमारे साथ जो रहा था ना वो चार पावर लागत हमारे, अरे हमारा बढ़िया होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि वहाँ पे जो है तो बस जैसे में वहाँ पहुँच तो जल्दी से बस आ गई थी, फिर जल्दी से चला आया था, तो फिर उसके बाद अपन गए चश्मे वाले शॉप पे, और कुछ नहीं किया। तो फिर चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आगे मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।